CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। वेलकम दोस्तों टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, हमारी काइंडनेस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं कि करुणा, भलाई, काइंडनेस ये हमारे जीवन को बदल देती है, हमारे जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। बिल्कुल सही कहा रेबेका, किसी को भलाई दिखाओ, करुणा दिखाओ और काइंडनेस दिखाओ तो क्या अचानक एक कम्प्लेक्शन बदल जाता है और कितना इफेक्ट पड़ जाता है उस चीज़ का लोगों की लाइफ पे। मैंने अपनी लाइफ में इसको देखा है जी। आपने, मैंने, हमारे दर्शकों ने, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि जब भी कोई हमारे प्रति करुणा दिखाता है तो कैसे हमारे जीवन में एक बदलाव आता है। बिल्कुल सही। और एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर कोई बीमार है, अगर उसके घर आप विजिट करने जाओ तो अचानक ही सब कुछ चेंज हो जाता है और फिर देखना किस तरह वो शख्स आपको और तवज्जो देगा, प्यार देगा और अटेंशन देगा, क्योंकि आपने सबसे पहले पहल किया कि उसके पास आप गए उसको मिलने के लिए। दर्शकों, ज़रूर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा और आपने भी काइंडनेस को रिसीव किया होगा लोगों से और आपको पता है कितना इम्पॉर्टेंट है ये। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ें और आज हम आपकी मुलाकात कराएं अभय शर्मा से, जो अपने जीवन को अपने मनमाने तरीके से जी रहे थे, लेकिन एक दिन उनके जीवन में किसी ने काइंडनेस को दर्शाया और उससे उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। आइए देखें कौन था जिसने उनके जीवन को बदला और क्या बदलाव वो उनके जीवन में लेकर आया। अपने पिता की मृत्यु के बाद अभय के दिमाग में कई सवाल उठने लगे और वो सच्चे परमेश्वर को ढूंढने लगे। जैसे मैं 10-11 साल का था, मेरा पिताजी गुजर गया तो, लेकिन वो धार्मिक इंसान था, तो उन लोग ने, वो धार्मिक इंसान होने के बाद भी मैं छोटा बच्चा था, वो गुजर गया, तो मेरे मन में लगा कि जो ईश्वर को मान रहे, जो परमेश्वर को मान रहे, उनको, वो मेरे पिताजी को नहीं बचा रहे तो मुझे भी क्या हो जाएगा। तो मेरे मन में बहुत ही सवाल खड़ा होता था, प्रश्न होता था कि मैं मुझे कैसे जीना है। तो फिर एक बार कि एक भाई ने आके, उन लोग ने बोला कि ऐसे एक जीवित परमेश्वर है, तो उन्होंने कुछ बुकलेट मुझे दिया, जो पुस्तिका दिया था, तो मैं पढ़ा वहाँ पर। फिर पवित्र शास्त्र से भी मुझे सीखने को मिला कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, कि वो परमेश्वर के लिए भी नज़र में भी गलत है और मेरे शरीर के लिए, मेरे खुद के लिए भी हानिकारक है। मैंने जितना भी गुनाह किया है, मैं सिर्फ वापस मुड़ के परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर से बोलना है कि मैंने किए हुए सारे गुनाह मुझे माफ़ कर दो और परमेश्वर मुझे वहाँ पर अंकमाल करने के लिए वो तैयार है, उसकी गोदी में लेने के लिए, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सच्चे परमेश्वर को जानने के बाद जीवन जीने का उनका तरीका बदल गया और साथ ही वो उन लोगों को भी परमेश्वर के उस प्रेम के बारे में बताने लगे जो इससे महरूम थे। परमेश्वर ने बोला है कि वो सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा देने के लिए आया है। अगर मैं उसको गुरु बोलता हूँ तो अगर वो मेरा गुरु ने दूसरे को सेवा किया है तो मैंने, अगर जिसको मानता हूँ, मैंने भी दूसरे को सेवा करना चाहिए। परमेश्वर के वचन से प्रेरित होकर अब वो सेक्स वर्कर्स के बच्चों के बीच काम कर रहे हैं और उन्हें एक बेहतर भविष्य देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो सेंटर है, सुबह 10 बजे हम खोलते हैं, तो सुबह 10 बजे खोलते हैं तो वहाँ पर उनके बच्चे लोग आते हैं। 10-11 साल का बच्चे है तो स्कूल नहीं गया, तो स्कूल में शुरू में गया तो उसको फर्स्ट में रहेगा, तो हम उसको थोड़ा बेसिक सिखाते हैं वहाँ के, ताकि वो स्कूल में जा सके, और हम उन लोग को इनकरेज करते हैं और दोपहर को उन लोग खाना वहाँ पर खाते हैं। अभय का मानना है कि ये बच्चे कल के भविष्य हैं। जैसे उन लोग देखते हैं कि माँ लोग भी देखती है कि बच्चे तो कुछ पढ़ रहा है, कम से कम उसको ABCD आता है, नाम लिखने को आ गया, तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो हम फिर उसको बोलते हैं कि अभी इनको एक अच्छा स्कूल में डाल दो, जैसे माँ कर रही तो बच्चे ऐसा ना करें, तो बच्चे एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन मिलेगा तो वो बच्चे बाद में जाके तरक्की करेगा। हम बोलते हैं कि आप महीने में कम से कम एक बार मिलो ताकि आप और अपने बच्चे के साथ में बने रहो। जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया और उनको बनाया, वही परमेश्वर ने हम सबको बनाया, तो वो परमेश्वर भी नहीं चाहते कि वो ऐसे काम में रहे। परमेश्वर पिता भी उनसे प्यार करता है, वो चाहते हैं कि वो अच्छे जीवन जिए और उसके जीवन में परिवर्तन आए, लेकिन शुरुआत एक ही आदमी से होता है, वो आप भी बन सकते।
वाह क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है ना दर्शकों, अभय की जिंदगी परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह से बदल गई, और जब उसकी जिंदगी बदली ही स्टार्टेड ब्लेसिंग अदर्स, और ये जो करुणा और ये जो काइंडनेस जो प्रभु के प्रेम के वजह से उनके मन में आई वो दूसरों के साथ बांटने लगा और कैसे दूसरों की जिंदगी को भी आशीष मिली। बिल्कुल, जो वो काम कर रहे हैं वो आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें वो हृदय दिया है कि वो ज़रूरतमंद लोगों को करुणा दिखाएं, उनके साथ भलाई करें, उनके जीवन में भी आशा लेकर आएं और सारी निराशा को उनके जीवन से दूर कर दें। बिल्कुल सही दर्शकों, अभय साहब तो ये कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हैं ये प्रश्न उठता है, वॉट आर वी डूइंग। ये तो अच्छी बात है, लोगों को बड़ा अपलॉड करते हैं कि वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर आप सोचिए शीशे में अपने आप को देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम कुछ ऐसी काम कर रहे हैं जो प्रभु को महिमा मिल रही है। ऐसी रिबेका हुआ, एक हमारे दोस्त है ना वो मिस्टर बलहार सिंह, हाँ वो एक ऐसे शख्स थे जो एज अ लेबर क्लास के तौर पे वो जर्मनी गए, कई साल पुरानी बात है, नट एंड बोल्ट फैक्ट्री में काम करते थे, वहाँ किसी ने उसको पता नहीं क्या लत लगवा दी, खूब शराब पीते थे वो, और इतने मतवाले हो गए कि लोग उनको सड़क से उठा के घर लाते थे, मतलब लाइफ बिल्कुल ख़राब हो गई उनकी, और बैचलर थे, जो पैसा मिलता था वो शराब में उन चीज़ों में उड़ा देते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही पड़े हुए थे बेहोश, मतवाले होके बिल्कुल अनकॉन्शियस सड़क के ऊपर, रात का समय था, उधर से एक कपल गाड़ी चला रहे थे, अचानक उन्होंने देखा रही ये कौन इंसान, ये क्या आदमी सड़क पे ऐसे पड़ा हुआ है, उसको उन्होंने उठाया अपनी गाड़ी में रखा, ये सच्चा वाक्य है दोस्तों, कोई कहानी नहीं, रियल हुआ ऐसा, उसको उठाया एक अजनबी को और अपने घर ले गए वो, और घर ले जाने के बाद उन्होंने अपना बेडरूम दिया उसको, एक बिस्तर दिया उसको, आराम करवाया, फिर उनको जब वो होश आया सुबह उनको खाना खिलाया, और उन्होंने कहा भाई मैं अजनबी, मैं चोर भी हो सकता था, आपने अपना घर दे दिया मुझे। कहते हाँ, क्योंकि कोई है जिसने हमें ये सिखाया है कि दूसरों को करुणा और काइंडनेस दिखानी है और दूसरों से हमें प्रेम करना है, क्योंकि वो ऐसे हैं जिन्होंने हमसे प्रेम किया। कौन है वो शख्स, उसने कहा, कौन है जो आपको ऐसी चीज़ें सिखाता है अच्छी, उसने कहा बाइबल है और वो प्रभु यीशु मसीह का कलाम है। दोस्तों वही मिस्टर बलहार जो थे, उनकी लाइफ तब्दील हो गई, शराब छोड़ दिया, उनके लाइफ में 360 डिग्री चेंज हुआ, वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए वो, और आज प्रभु की वो सेवा कर रहे हैं और एक चर्च के पासबान हैं। दोस्तों एक छोटा एक्ट ऑफ काइंडनेस, वन स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस ने एक ऐसे शख्स जो बिल्कुल शराबी था उसकी लाइफ चेंज कर दी, और आज वो प्रभु की सेवा कर रहा है, कई लोगों को प्रभु के बारे में बता रहा है, और बड़े अच्छा बाइबल का टीचर है। मेरे अजीजों क्या आप ऐसा करेंगे, मुश्किल है ना, पर नामुमकिन नहीं। मैं बताना चाहता हूँ जो ब्लेसिंग आपको मिलेगी वो एक गुड समैरिटन बनके, जो अच्छा सामरी बनके, वो मैं आपको बता नहीं सकता कितनी आशीषें आप बटोरोगे जब आप लोगों को इस तरह मदद करते हैं। ये आयत हम आपको देना चाहते हैं, नीति वचन 3:27, यदि तुझ में भला करने का सामर्थ है तो उनका भला अवश्य करना जो भलाई के योग्य हैं। दोस्तों क्या लिखा है प्रभु के कलाम में, जो सबसे बुद्धिमान राजा था सुलेमान ने लिखा है, अगर इफ यू हैव इन योर हैंड्स टू डू गुड, अगर भलाई करने का है आपके हाथ में और सामर्थ है करिए, प्लीज करिए, और इनकरेज करता है परमेश्वर कि आप भलाई करें, काइंडनेस दिखाएं ताकि लोगों की लाइफ बदले। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमें इंकरेज करते हैं टू बी काइंड टू अदर्स, और वो हमें मौके भी देते हैं, बहुत सारे मौके देते हैं ताकि हम एक दूसरे को काइंडनेस दिखा सकें। दोस्तों आप ही इन मौक़ों को कभी गवाएं नहीं, और अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो हम भी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। डू कॉल अस विद योर प्रेयर रिक्वेस्ट ऑन आर CBN प्रेयर लाइन, एंड आर नंबर इज 9910401010। और दर्शकों हमेशा की तरह इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने प्रेयर रिक्वेस्ट, अपने मैसेजेस, हम वेट कर रहे हैं आपके मैसेजेस का। और दोस्तों समय आ गया है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद समय होगा आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब देने का, यानी कि समय होगा कोई शक का। डू स्टे विद अस, विल कम बैक सून।
जिस परिवार से मैं आया हूँ उसमें हम 8 भाई बहन थे और हम एक चाल में रहते थे, बस्ती में रहते थे। अब मैं शायद आई थिंक 8 or 9 ईयर्स का था एंड आई लुक्ड एट जीसस क्राइस्ट एज अ फेस एंड आई सेड ओके जीसस यू आर माय सुपर हीरो। अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में है सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू जीसस। जब मैं बड़ा हो रहा था मुझे मैंने देखा था मेरे भाई बहन वो सब 10वीं के बाद ट्यूशन दे रहे थे एंड दैट इज़ हाउ वी मेड मनी फॉर्चुनेटली फॉर मी, क्योंकि मेरा सिंगिंग डांसिंग एक्टिंग थिएटर में ज़्यादा रुचि था। 20 साल लग गए तो जब पहली अपॉर्चुनिटी मिली टीवी पे आने के लिए। वेलकम बैक दोस्तों, जैसे कि अभी आपने ब्रेक में देखा 15 अगस्त को हम आपके लिए खास स्पेशल इंडिपेंडेंस डे एपिसोड लेकर आ रहे हैं और इस एपिसोड में हम टेरेंस लुइस के साथ खास मुलाकात करेंगे, उनके जीवन की सच्ची कहानी हम सुनेंगे। सो डू जॉइन अस फॉर दिस स्पेशल एपिसोड। वाओ दैट इज एक्साइटिंग, आई एम वेटिंग फॉर इट। और दोस्तों अब समय है कि आपके मन में जो शक हैं जो प्रश्न हैं उनके हम जवाब दें, तो समय है कोई शक का। आइए दोस्तों पढ़े आपके सवाल। ये सवाल है अविका का जो पूछ रही है कि मुझे प्रार्थना में क्या खोजना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्या खोजना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले हमें जो परमेश्वर की मर्जी को खोजना चाहिए कि बोलो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी मर्जी नहीं है पिता तेरी मर्जी पूरी हो, नॉट माई विल बट योर विल बी डन। तो सबसे पहले है वी नीड टू सीक गॉड्स विल कि प्रभु की, हम तो मांगेंगे जो मर्जी मांगते रहेंगे हम, पर प्रभु क्या चाहता है हमें देने के लिए वो तो पूछे हम उससे। तो आई थिंक टू सीक गॉड्स फेस एंड हिज विल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वेल वी होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन अविका। और दोस्तों अगर आपके पास भी बहुत सारे सवाल हैं और आप उनके जवाब ढूंढ रहे हैं तो इन सवालों को अपने तक आप सीमित ना रखें, हमसे पूछें। हमारी कोशिश होती है कि परमेश्वर की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से, परमेश्वर के वचन से, पवित्र शास्त्र से मदद पाकर हम आपके सवालों के जवाब दें। आप अपने सवाल पूछने के लिए हमें मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप से, हमारा नंबर है 9910401010, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अब दर्शकों समय है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें और मदद मांगे परमेश्वर की कि वो आपके मनों में हृदयों में अपना प्रेम इस तरह उंडेले ताकि आप दूसरों को ऐसे करुणा भरे काम करें कि उसको महिमा मिले। शैल वी प्रे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपका प्रेम ही हमें मजबूर करता है, योर लव कंस्ट्रेन्स अस टू हेल्प अदर्स, कि हम दूसरों की मदद करें। प्रभु जी हमारी यही दुआ है कि आपका प्रेम हर एक के हृदयों में आप उंडेलिए प्रभु, जो हृदय जो कठोर हो गए हैं पथरीले हो गए हैं प्रभु जी, उनमें आप अपने खास प्रेम से उनको फिर से सदगर्म करें प्रभु, ताकि आपके प्रेम के द्वारा वो अपना ना केवल जीवन व्यतीत करें पर वो दूसरों से भी प्रेम करें और करुणा और भलाई दिखाएं प्रभु जी। प्रभु जी हम जानते हैं कि जब हम आपकी मदद से आपकी आत्मा की अगुवाई में होकर ये कार्य करेंगे तो कई लोगों की जिंदगी बदलेगी। प्रभु जी मेक अस एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर काइंडनेस, हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाइए आपकी भलाई और करुणा का, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों आप एक इंस्ट्रूमेंट हैं, एक जरिया है लोगों तक परमेश्वर का प्रेम और उसकी भलाई दिखाने का, तो कंटिन्यू डूइंग गुड एक्ट्स टू ग्लोरीफाई गॉड। जी बिल्कुल, कंटिन्यू डूइंग गुड थिंग्स एंड कंटिन्यू प्रेइंग। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ प्रेयर टिप। दोस्तों गॉड इज काइंड,
परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। आज आपकी जो भी ज़रूरत है आप परमेश्वर के पास लेकर आएँ। यू कैन क्राई आउट टू हिम एंड ही विल बी योर हेल्प एंड डिलीवरर। विश्वास के साथ आएँ, परमेश्वर से मांगें, हर एक छोटी या बड़ी ज़रूरत वो उसे पूरी करेगा। दोस्तों आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहता है। दर्शकों देखा परमेश्वर का वचन क्या हमें सिखा रहा है कि ये जो आज़ादी हमें दी है परमेश्वर ने वो अपने शारीरिक अभिलाषों के लिए इस्तेमाल ना करें, परंतु वी हैव टू लव एंड विद लव सर्व वन अनदर। परमेश्वर के प्रेम से हमें एक दूसरे की सेवा करनी है। ओ प्रभु होने दीजिए कि हम आपकी सेवा आप ही के प्रेम में लैस होके करें लोगों को। आमीन दोस्तों। और इसी के साथ समय आ गया है कि हम एक ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम देखेंगे CBN फाउंडेशन के द्वारा आयोजित न्यूट्रिशियस खाना बनाने के लिए एक लाइव डेमो। सो स्टे विद अस, वी विल कम बैक सून। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश है, लेकिन अध्ययन बताते हैं कि देश के लगभग 58.6% बच्चे एनीमिक हैं। यदि सही पोषण की मदद केवल आपकी रसोई के शेल्फ तक दूर है तो फिर बच्चे कुपोषित क्यों हैं? CBN फाउंडेशन की अवेयरनेस वर्कशॉप्स बच्चों के जीवन की अलग अलग लाइफ स्टेजेस के लिए सही खाद्य पदार्थों की पहचान करने और बच्चों के पोषण को लोकली अवेलेबल फूड से पूरा करने पर बल देती है। आप जैसे पार्टनर्स के सहयोग के द्वारा ही हमारी टीम्स भारत की कई रिमोट कम्युनिटीज तक पहुँच पा रही हैं और उन्हें सही जानकारी के द्वारा सशक्त बना रही हैं। एक अच्छे पोषण के लिए जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो सब उनके आसपास ही उपलब्ध है। प्रत्येक परिवार मिनिमम वेस्ट के साथ ताजी एवं स्थानीय रूप से उगाई गई सीजनल चीजें खाकर हेल्दी रह सकता है। एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए हमारी फूड हेरिटेज और डाइवर्सिटी ही वो चीजें हैं जिनकी आज हमें जरूरत है। वेलकम बैक। इस पूरे महीने हम बात कर रहे हैं कि कैसे काइंडनेस जो परमेश्वर की ओर से है, वो काइंडनेस, वो भलाई, वो करुणा हम कैसे लोगों तक दिखाएं या पहुंचाएं या अच्छे अच्छे ऐसे कार्य करें जिसमें लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस काइंडनेस के स्पेशल रेवोल्यूशन में आप भी ज्वाइन करेंगे और अपने आस पड़ोस, अपने लोगों के बीच में, अपने स्कूल, कॉलेज और मोहल्लों में आप ऐसे ऐसे कार्य करेंगे जहां प्रभु को महिमा मिले और लोगों की लाइफ बदल जाए। इनफैक्ट CBN फाउंडेशन इज आल्सो डूइंग काइंड एक्ट्स। अच्छा, लोगों की मदद कर रहा है और अब हम इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों आइए आज हम आपको ले चलते हैं CBN फाउंडेशन द्वारा आयोजित लाइव कुकिंग डेमो पर, जिसके द्वारा कई महिलाएं किचन में ही पाए जाने वाले सामान्य सामग्री से पौष्टिक आहार बनाकर तैयार कर सकती हैं। आइए हम भी मिलकर इसे देखें और इस डेमो के द्वारा कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम सीखें। सही पोषण देश रोशन के संदेश के साथ भारत पोषण अभियान चला रहा है, जिसका उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण के बेहतर विकल्प सुनिश्चित करना है। इस अभियान के जज्बे को अपनाते हुए CBN फाउंडेशन ने डाइटिशियन डॉक्टर नीरू अरोरा के साथ कम्युनिटी की महिलाओं के लिए न्यूट्रिशन और एनीमिया पर एक वर्कशॉप आयोजित की। आज के जो कार्यक्रम का उद्देश्य था बेसिकली वो लेडीज को हेल्प करना था कि कैसे वो अपने आप को, अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे हम अपने घर की किचन में जो अवेलेबल फूड है उसको कैसे हेल्दी बना सकते हैं। तो आज यही सीखा है कि मतलब बच्चों को किस तरीके से खिलाया जाए। घिया है, लौकी है, मतलब हर चीज अच्छी तरीके से किस तरीके से खिलाई जाए बच्चों को। आज हमने महिलाओं को बना करके भी दिखाया, हमने उपमा बनाना सिखाया उन्हें,
और यहाँ पे सभी बच्चे भी थे, तो जब वो कलरफुल बहुत सुंदर सा बन के आया तो बच्चों ने भी बड़े इंटरेस्ट के साथ उसको खाया। आज की जो रेसिपी हमने बनाई उसको मैंने दो तीन चीजें करी हेल्दी बनाने के लिए, तो हमने ऑयल्स को नहीं इंट्रोड्यूस करा वहाँ पर, उसके बाद मैंने कलर्स को इंट्रोड्यूस करा, बहुत सारी कलरफुल वेजीज डाली, तो वो कलरफुल प्लस नो ऑयल करके बहुत कम वाटर ऐड करके उसको बनाया, ताकि जो उसमें विटामिंस मिनरल्स थे वो उसी में रह जाएं और वो रेसिपी बिल्कुल हेल्दी हो जाए और बच्चे उसको इजीली खा सके। हमारा ध्यान क्या होता है कि हर चीज घी तेल से ही बनती है, घी तेल शरीर को नुकसान भी करता है, तो ये एक तरीके से ऑयल फ्री कुकिंग है। मैम ने उपमा बनाया था जिसमें गाजर थी, शिमला मिर्च थी और हरी मिर्च थी, उसे ऐसे ही बगैर घी तेल के बनाया था ताकि बच्चों के लिए पौष्टिक आहार सा बन सके। भोजन में पोषक तत्वों व न्यूट्रिएंट्स के महत्व को रंगों से दर्शाते हुए डॉक्टर अरोरा ने हर रंग को अपने भोजन में शामिल करने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया। हर कलर में ना कोई ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो हमारी बॉडी में हेल्प करता है, जैसे अगर रेड कलर है तो हमारे ब्लड को, हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है, व्हाइट कलर है वो हमारे बोन्स को हेल्दी रखता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मेरी जो प्लेट है वो कितनी कलरफुल हो सकती है उतनी ही मैं हेल्दी रह सकती हूँ। जिस जिस कलर के हम फूड देते हैं बच्चों को तो उनके कलर्स का इफेक्ट होता है हमारे शरीर पर। इस वर्कशॉप में इस बात पर बल दिया गया कि बेहतर पोषण के लिए लोकल फूड सबसे अच्छा विकल्प है और घर का बना हुआ खाना ही पोषण का सर्वोत्तम साधन है। जितनी भी लोकल सब्जियां हैं वो हमें बच्चों को लेकर खिलानी है। घर का खाना बच्चों के शरीर के लिए अच्छा है, सेहत के लिए बढ़िया है घर का खाना, बाहर का अच्छा नहीं होता। लोकल फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोकली ग्रोन वेजिटेबल्स को यूज करिए, वो आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा, हेल्दी रखेगा, तो अपने लोकल चीजों को खाइए, बनाइए एंड अपने आप को हेल्दी रखिए। CBN फाउंडेशन सही पोषण देश रोशन की अवधारणा को समुदाय में साकार करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। आप भी इस पहल में हमारा सहयोग दें। सही पोषण देश रोशन। That was so interesting, friends. हमने भी सीखा कि कैसे घर की साधारण सामग्री से हम न्यूट्रिशियस फूड बना सकते हैं और अपने बच्चों के लिए खास करके अच्छा इंटरेस्टिंग और पौष्टिक खाना हम उन्हें दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये CBN फाउंडेशन के इस नेक काम में उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके सहभागी बनना चाहते हैं, तो देर कैसी, आप जल्दी से उनकी वेबसाइट पर लॉगिन करें। उनका एड्रेस है www.cbnf.org। इनके सहभागी बने और बहुत सारे लोगों के जीवन में काइंड एक्ट्स करें, उनके जीवन में बदलाव लेकर के आए। वंडरफुल, व्हाट एन इनिशिएटिव, आप भी जुड़िए इसमें। और दोस्तों, इस एपिसोड में हमने क्या सीखा, हमने अभय शर्मा की लाइफ देखी, कैसे उसकी लाइफ में खुदा के प्रेम और करुणा के वजह से उनकी जिंदगी बदली और अब वो ऐसे लोगों के बीच में काम कर रहा है और वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, बदलाव ला रहा है, परमेश्वर के इस प्रेम को बांट रहा है और करुणा और भलाई के काम कर रहा है। हमने देखा कैसे मिस्टर बलहार की जिंदगी बदल गई, उस कपल ने कैसे उसको सड़क से उठाया और ना केवल सड़क से उठाया, उसको एक नई जिंदगी मिली प्रभु में और आज वो प्रभु की सेवा कर रहा है। आप क्या करेंगे, उठिए, कुछ करिए और देखिए प्रभु का हाथ आपके ऊपर आएगा और आप ऐसे ऐसे कार्य करेंगे जिसमें ना केवल लोग बदलेंगे आसपास पर प्रभु की महिमा होगी। जी बिल्कुल, आप उठे, खड़े हों और काइंड एक्ट्स करें, करुणा दिखाएं, बिकॉज योर काइंड एक्ट्स विल चेंज लाइव्स। दोस्तों, इसी के साथ समय है कि हम आपसे इजाज़त लें और जाते जाते असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पांखी कानपुर की कॉयर आपके लेकर आई है एक बहुत ही खूबसूरत गीत, ये जिंदगी। इस गीत के द्वारा आप आशीष पाएं। हम आपसे कल दोबारा मुलाकात करेंगे और पहचान कौन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज हम आपसे पूछने जा रहे हैं, सो बी प्रिपेयर्ड। अंटिल देन, गुड बाय, नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।